फ्रेंड वेलकम बैक। मैं हूं आपको अपना राजभर। आज आपके सामने ढेर सारी बाइक्स आई हुई हैं। इधर देख सकते हैं, ये अपनी 200 अपाची जो कि आप देख सकते हैं। इधर आपकी आई हुई R15, इसमें मॉडिफिकेशन काम में भी चालू है। और इधर एक और R15, इसमें भी मॉडिफिकेशन काम चालू है। उधर एक और R15, इसकी वीडियो सबकी वीडियो मिलेंगे आपको अलग अलग। इधर आपको मिलती है रोनिन, इसमें फुल सिस्टम लगा दिया गया है और साथ में और भी काम चल रहा है इसके अंदर। इधर आपको देखने मिलेगी अपाची जो कि इसके अंदर भी काम अभी चल रहा है सारा। और उसके अंदर आइए, अंदर जो मेन वीडियो दिखाऊंगा ना आपको, वो दिखाऊंगा आपको मैं इसकी, जो कि है अपनी हिमालयन 450, जो कि न्यू मॉडल जो आपने मेरे पास देखी। कलर वैसे वाइट और ब्लैक की मैं ज़्यादातर बना चुका हूँ, बट ये डिफरेंट ग्रे कलर, तो ग्रे कलर है। पहले मिलवाता हूँ भैया से, ऐसे ही बैठे बैठे। तो भैया कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? फीलिंग इज मच बेटर, नॉट बेटर? मच बेटर। We'll see, we'll speak after the work is done. But yeah, so far so good. तो भैया कह रहे हैं देखेंगे फिर उसको बताएंगे कि कैसा लगा। क्यों नहीं, पहुँचने से पहले ही जो एक्सपीरियंस था, राजू भैया ने जो हेल्प करी, आते ही मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं फिर भी आया बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम हेयर। अभी एक बार देखते हैं काम काम अभी तक जितना भी हुआ है बहुत प्रोफेशनल लग रहा है। एवरीबडी इज एक्टिंग वेरी प्रोफेशनली, तो वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अभी उसके लिए। थैंक यू, और मुझे बिठा और दिया है, कह रहे हैं आप उठो मत, आपकी तबीयत खराब है। ऑब्वियसली मैं तो करूं ऊपर जाके इसी में बैठ जाए, बट भैया कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं देखूंगा कैसे हो रहा है। बाइक के सामने बैठने का मजा आता क्योंकि ये है बाइक लवर। बाइक लवर हमेशा वो होते हैं जो उठ के जाते नहीं है क्योंकि उनकी बाइक में कहीं कुछ निकाल ना ले, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हर किसी को होते हैं। बेशक जिसमें ट्रस्ट करके आए हो, ट्रस्ट इश्यू रहते हैं। फर्स्ट टाइम है, उसके बाद मैं तब भी नहीं बैठूंगा, ट्रस्ट हो जाए 10 बार भी आऊंगा तब भी बाइक के सामने नहीं बैठूंगा। तो अब इनसे मिल लिए, इनसे एंड में इनका इंट्रो लेंगे, पूरी तरह पूरा रिव्यू लेंगे। अब दिखाते हैं बाइक जो कि आप देख सकते हैं, बाइक का काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और डन हो चुका है कुछ कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर आपका वाइजर जो पहले लगा हुआ है, मोबाइल होल्डर या आपके हैंड गार्ड वगैरह, इधर क्रैश गार्ड एक्टिविटी चालू है इसकी। इधर वाइजर एक्सटेंडर लगना है, हॉर्न लगना है इसके अंदर, फॉग लैंप एक्स्ट्रा एडिशन लगने हैं, और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर लगने वाली है। तो वीडियो बने रहने के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना राजू भाई SKD को, क्योंकि आपको इसी पर इसकी पूरी वीडियो मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन जो जो हम कर रहे थे या कुछ करने वाले थे, और अब मैं दिखाऊंगा इसके अंदर ऑलमोस्ट क्या मॉडिफिकेशन हुई है क्या नहीं हुई है। तो आइए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में सबसे पहले दिखाएंगे आपको हेडलाइट ग्रिल जो कि आप देख सकते हैं, ये इसके हेडलाइट ग्रिल जो किसी इंस्टॉल कर दी गए, इससे लुक भी इनहेंस हुए थे, साथ में आपकी हेडलाइट भी होते हैं पूरी तरीके से सेफ। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा ऊपर वाइजर एक्सटेंडर जो कि मिलता है ड्यूल क्लैंप के साथ। ये ड्यूल क्लैंप के साथ आपको वाइजर एक्सटेंडर देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, जो इसकी लुक को करता है काफ़ी ज़्यादा इनहेंस, और साथ में बल्की भी हो जाती है इसे लगाने से, क्योंकि कार्बन रेसिंग का भैया ने लगवा रखा है। और इसके बाद ये लगने के बाद तो लुकिंग जबरदस्त ऑसम हो ही जाती है। अब इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर मोबाइल होल्डर जो कि देखेंगे दो दो, इसलिए ये बोबो का लगवा रखा था पहले हमने लगाया भैया का, ये सिमटेक ओरिजिनल जो कि मिलता है आपको एक साल की गारंटी के साथ। साथ में मतलब GPS माउंट जो कि देख सकते हैं, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और इधर आपको देखने मिलेंगे हैंड गार्ड, ये इसके हैंड गार्ड जो किसी ने इंस्टॉल कर दिए गए, इससे आपके लीवर और हैंड ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुली प्रोटेक्शन चीज़ जो लगा दी गई है। सेम इस तरफ सेम दिखने को मिलेगा इस तरफ जो देख सकते हैं, अब लुक काफ़ी जबरदस्त हो जाती है। इधर आपको मास्टर सिलेंडर कैप जो कि आपको देखने मिलेगी कुछ ग्रे कलर की, इसमें इंस्टॉल कर दी गई है। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर मिरर जो कि रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल आपको देखने मिल जाएंगे इससे, इसमें कुछ इस तरीके के सेम आपको इधर मिले, सेम आपको इस तरह मिलता है, और इससे पूरा व्यू भी नज़र आता है, प्लस आपकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। साथ में आपको देखने मिलेगी रेडिएटर गार्ड जो कि मिलता है आपको सिल्वर कलर का, यहाँ पे देखने मिलता है बहुत अच्छी क्वालिटी का ये लगा दिया गया है। नीचे आपको देखने मिलेगा इसका सम गार्ड, जिससे सेफ्टी भी होती है साथ में लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है। और ये जो दोनों चीज़ें ना, इससे तो होता पूरा रेडिएटर सेफ, नीचे होता है ये होता है ऑयल फिल्टर पूरी तरीके से सेफ हो जाता है, इससे फुली सेफ्टी वाले फीचर उसके अंदर लगा दिए गए हैं। साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर वाई वाली फॉग लैंप जो कि लगा दी गई है विद हार्नेस। हार्नेस का फ़ायदा दिखाता हूँ आपको, चाबी ऑन करी, बटन ऑन करा, ये आपकी होगी हार्नेस ऑन, और ये है आपका येलो, ये है आपका वाइट, ये आपका येलो वाइट। और अब दिखाता हूँ एक और पैटर्न, देखिए ये है इसके ब्लिंकिंग। अब दूसरे पैटर्न में ब्लिंकिंग दिखाता हूँ, देखिए इसका तीसरे पैटर्न में ब्लिंकिंग दिखाता हूँ इसके अंदर, ये देखिए। तो ये हर पैटर्न के अंदर ब्लिंक आपको मिल जाता है, और फोर टू फाइव पैटर्न होते हैं इसके अंदर जो ब्लिंकिंग पैटर्न होते हैं इसके अंदर, क्योंकि हार्नेस का जो फायदा है वो ये कि रिले वगैरह सब कंप्लीट होती है, प्लस स्विच भी इनका खुद का होता है। देखिए ये होता है इसका स्विच जो हार्नेस के साथ आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, तो ये आपको देखने को मिलेगा फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जिससे आपके लेग सेफ होते हैं, साथ में टैंक पूरी तरीके से सेफ इसके अंदर, और फुल बॉडी क्रैश गार्ड होता है। इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि फुल सेफ्टी वाला फीचर है, जब भी आपकी गाड़ी गिरती है कुछ भी होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही आपकी बाइक को
कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है इसे लगने के बाद। और ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी बनता है हमारा खुद का बनता है। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको, इस तरफ भी ये देख सकते हैं, प्रॉपर फिटमेंट है, कोई जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं, सिंपली इजी टू फिटेड है, कहीं पर भी आप फिट कर सकते हो अगर कुरियर वगैरह मंगाते हो तो। और उसके बाद दिखाता हूँ, इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको जैसे मास्टर सिलेंडर आपको ऊपर था वैसे एक इधर मिलती है और एक मिलता है आपको इस तरफ। ये सारी मास्टर सिलेंडर कैप्स है जो इसके अंदर लगा दी गई हैं। साथ में मिलते हैं इसके रियर फुटरेस्ट, ये देखिए रियर फुटरेस्ट दोनों साइड के मिलते हैं, इसमें पिलियन राइडर होता है पूरी तरीके से, लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है। क्योंकि जब भी बैठते हैं ना, इसके छोटे से फुटरेस्ट हैं उससे बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इसे लगाने के बाद प्रॉब्लम खत्म आपकी। इधर आपको देखने मिलेगा डिकैट बैंड पाइप, देखिए ये इसका डिकैट बैंड पाइप जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। एग्जॉस्ट आप ही का ही है, एग्जॉस्ट आपका है, हमारा नहीं है। और उसी एग्जॉस्ट के अंदर आपका स्लिप ऑन बैंड पाइप लगा दिया गया है, जिससे आपकी बाइक की आवाज़ हो जाती है एनहेंस और लुक भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, देख सकते हैं। और प्रॉपर फिटिंग है, कोई जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं। और अब मैं सुनाता हूँ इसकी साउंड आपको एग्जॉस्ट की कि किस तरीके की आने वाली है। ये देखिए आइडल पे कितनी तेज हो गई है। और एक बात, इसमें चलान नहीं हुआ, बहुत से लोगों के मन में डाउट हो गए कि भैया बैंड पर लगा दे चलान होगा, तो इसमें चलान 110% नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है इसके अंदर। तो ये आपकी साउंड आपको सुनने को मिल रही होगी। अब मैं इसका थ्रोटल सुनाता हूँ कि थ्रोटल पर कैसी साउंड आती है। अगर राइड में निकलेंगे तो लोग पूछेंगे जरूर, भाई ये तो हमारी पे कम तुम्हारी में ज़्यादा क्यों, फिर भैया अपना पिटारा करो, भैया मैंने इसमें डिकैट बैंड पाइप लगाया राजू भाई की शॉप से। तो अगर आपको भी ऐसा कोई काम कराना तो आपको आना कहाँ पर है, आना आपको राजू भाई की शॉप जो मिलती है दिल्ली करोल बाग नाई वलन के अंदर। और इसमें एक दो काम पेंडिंग रह गए हैं, जैसे कि हैंडल राइजर, स्टैंड जैकेट्स, वो नेक्स्ट टाइम लगाऊंगा। अगर एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें कराई है लेमिनेशन नहीं, PPF, ये ओरिजिनल PPF जो कराई है। PPF पर ना मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताऊँगा। देखो सबसे पहले एडवांटेज तो ये है कि PPF जब लग जाती है ना तो ये एज इट इज़ ऐसे लगते हैं, पता भी नहीं करी गई है। लेकिन डिसएडवांटेज का ये होता है कि देख सकते हो ना, अभी जॉइंट देख रहे हो अभी, ये मैं ये नहीं कह रहा भैया ने मेरे से या किसी और से, ये कहीं से भी कराएंगे ना तो पीसीस के अंदर ही होगी, सिंगल पीस में कभी भी नहीं होती है PPF ओरिजिनल, ये ध्यान देना इस चीज़ को। एक जॉइंट आपको इधर देखने, एक जॉइंट आपको देखने मिलेगा, थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है बट ये लॉन्ग टाइम होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और भूल जाइए, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ आपकी है, संभालना आपको है, तो आपको जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करा सकते हैं। और अब मैं बुला रहा हूँ भैया को, बहुत देर हो गई, भैया कह रहे हैं बोल तो रहा बुला तो रहा नहीं, तो आइए भैया पहले ही बताइए कि कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, ऑनेस्टली आई थिंक जितना सोचा था उससे अच्छा ही है, तो रेस्ट एवरीथिंग इज काम बहुत अच्छा है यार। मतलब जो चाहिए था वो सब है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला मुझे। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था, हम एक कंपेरिजन भी कर सकते हैं फॉर डीकैट पाइप, वी हैव वन हिमालयन हेयर, वी हैव अनदर वन ओवर देयर, तो आप उनको वो भी दिखाइए कि कितना फ़र्क पड़ता है। डीकैट के बारे में मैंने काफ़ी सुना था बट आई थिंक आवाज़ अपार्ट फ्रॉम दैट जो पिकअप का भी थोड़ा सा एनहांसमेंट होता है दैट यू विल ऑल्सो सी। बाकी मेरे को काम तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत सफाई से काम हुआ है ऑनेस्टली, कहीं कुछ ठोका पीटी नहीं हुई है, दैट इज़ समथिंग ऑल्सो दैट आई लव्ड, बिकॉज बाइक नायर बहुत प्यार से रखते हैं तो उसी प्यार से काम हुए तो अच्छा लगता है। वो मैं वीडियो बताता हूँ ना कि बाइकर लवर जो होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भैया हाँ मेरी बाइक पे जरा सा भी अगर किसी ने टच किया फालतू का तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं आपको पता तबीयत खराब है फिर भी बैठा हुआ था यहाँ पे, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट तो मैं आ गया हूँ अब मुझे तो हमेशा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाइकर जो होता है वो बाइक को छोड़ता नहीं है, वो हम सब जानते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ बैठा हुआ था। बट हाँ मतलब काम बहुत नीटली हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है। हम ऐसा भी नहीं कहते कि भैया यहाँ मत बैठो, भैया ऊपर नहीं, हमने कहा कहीं भी जहाँ आपका मन कर वहाँ बैठिए, हमें कोई इशू नहीं है। हमने कैबिन बना रखा है एक स्पेशली जो एडिटिंग वगैरह होती है, हम कहते हैं अगर किसी को रेस्ट करना है तो वो जाकर रेस्ट कर सकता है, बट अगर वो बैठना चाहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठिए अपने सामने कराइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किस तरीके की। वेरी फ्रेंडली, थैंक यू सो मच फॉर दैट, वेरी फ्रेंडली पीपल, थैंक्स टू यू कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, जो आप लोग आते हो हमारी वीडियोज देखकर। और वीडियो में, और यहाँ में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि बहुत से लोग पता क्या सोचते हैं कि यार वीडियो में तो बंदा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है, और कस्टमर जो भी कस्टमर आ रहा है वो रिव्यू भी इतने अच्छे अच्छे दे रहे हैं, बट सामने आने के बाद वो फैक्ट मतलब होता है, तो वो हर किसी के मन में डाउट होता है, मेरे भी मन में था। आई हैव ऑल्सो सीन ऑल योर वीडियोज, उसके बाद ही जब मैंने राजू भाई को कॉल किया, आई थिंक टाइम मैंने पहले फिक्स किया था, फिर मैंने टाइम चेंज करा, उन्होंने बोला आपको जब आना आओ, जब मैं आया मेरी बाइक लग गई, टाइम से मेरा काम भी हो गया है, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन, एंड आई थिंक ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो वो भी मैं कहना चाहूँगा कि जो वीडियोज़ में है वही है, सेम ही है, दर इज़ नो चेंज, वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, चाय भी बहुत बार पिला चुके हो आप मुझे तो मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है आपको, बहुत पीसफुल, आप पीसफुली बैठ सकते हो यहाँ पे, देर इज़ अ स्पेस ऑल्सो टू सिट अपस्टेयर्स, एवरीथिंग इज़ ऑसम, थैंक यू सो मच, एंड जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी थैंक यू सो मच, थैंक यू राजू भाई, टू यू, थैंक यू।
तो भैया का रिव्यू आपने देख ही लिया है, अब आप लोगों को आना है तो आप लोगों को कहाँ आना है ये मैं बताया तो हर वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको फिर अगेन बताता हूँ। हमारी दो शॉप हैं, बट बड़ी बाइकों के लिए हम मेन शॉप पर बुलाते हैं, छोटी शॉप पर नहीं बुलाते हैं। हमारी जो एक शॉप है वो 51 नंबर के कॉर्नर पर छोटी शॉप है, वहाँ विजिट करना चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो है मेन रोड, पहले तो मेन रोड देखिए, ये आपका मेन रोड है, पीछे आगे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में शायद थोड़ा ट्रेलर डालूँ कि कहाँ पर मिलती है हमारी शॉप, और हनुमान जी की मूर्ति के ना जस्ट अपोजिट है हमारी। जब भी आप आते हैं तो झंडेवाल मेट्रो स्टेशन के सामने ना बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है, और वो हमारी शॉप से मुश्किल 50 मीटर की दूरी पर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं आपको मुड़ना नहीं है, कहीं भी सीधा स्ट्रेट आना है आपको मार्केट के अंदर, और आपको दिख जाएगा मेन रोड पर, आर्य समाज रोड पर SKD के नाम से राजू भाई की शॉप, जो कि बालाजी महाराज वहाँ दिखेंगे, ऐसे बालाजी महाराज आपको मिलेंगे मेरे शॉप के बोर्ड पर। तो ध्यान रखें, उनको देख कर आएँ, और उनका सपोर्ट उनका आशीर्वाद मेरे पास है, आप लोगों का साथ मेरे साथ है, तो दुनिया का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में और बहुत सारे फर्जी कॉपी आ गए हैं, बट उनसे कोई दिक्कत नहीं है, काम है वो काम मिल रहा है बेस्ट, वो आपको पता ही है राजू भाई के पास, जब आओगे तो विजिट करो पता लग ही जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए राजू भैया ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियो एंड ब्लॉग्स लाता रहता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।